कालाडूंगी में पहली बार खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स जैसे खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा व खेल, पंचायती राज और युवा कल्याण विभाग के समन्वय से राज्य में पहली बार खेल महाकुंभ का आयोजन किया है, जो दिनांक 14 नवम्बर से 19 नवम्बर तक खेला जाना है, जिसमें कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों का प्रदर्शन होगा। खेलों में बच्चों की उम्र के हिसाब से अलग अलग वर्गों में रखा गया है, जिसमें अंडर 14 से लेकर अंडर 19 तक के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। युवा कल्याण विभाग के अधिकारी डीएन कांडपाल ने बताया कि जिन बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा उन बच्चों को आगे भेजकर मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें युवा कल्याण विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है, जिसमें मैं युवा कल्याण अधिकारी के रूप में इस खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहा हूँ। इसमें शिक्षा विभाग, पंचायती राज, ग्राम्य विकास और स्पोर्ट्स, ये डिपार्टमेंट इसमें लगे हुए हैं, जो इस खेल विधाओं को संपन्न कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, अंडर 10, 14, 17 और 19 जो गेम हम करा चुके हैं, इसमें ओवरऑल जिनका बहुत अच्छा प्रदर्शन है, टैलेंट सर्च सूची हम बना रहे हैं, जिसमें ओवरऑल प्रदर्शन में 5 ऐसे बच्चों को हम चयन कर रहे हैं जो हर विधा में अव्वल है। उसमें 5 बच्चे तो हम चयन कर ही रहे हैं, और उसके बावजूद जो फर्स्ट यहाँ पर आएगा किसी भी विधा में, तो 24 नवंबर से जिला स्तर पर जो हमारा कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हम उनका प्रतिभाग कराएंगे। कालाडूंगी से मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।